एक देना एपेक्स एपेक्स हाँ दे रहा तो हूँ। ऊपर अच्छा सही है। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट गुड हो गया। आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, पता नहीं क्यों। बट गाइस, इस वीडियो में हम लोग रैंगल की गेम प्ले लेकर आते हैं विद ज़्यादा किल्स। ओ माय गॉड, तो चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो मतलब मैं वॉइस ओवर तो करूँगी ना। तो यहाँ पे जिसने वो बताया, हम होटल पे लैंड करते हैं। तो यहाँ पे दो बंदे आते हैं, एक तो बेचारा ऑफलाइन था, बाकी एक बंदा ये रोल रहा था पता नहीं क्यों गोल बाग में। बाकी इसे मैंने मार दिया बेचारे, 1v2 हो गया से साथ ही। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे लूट छूट करने के बाद गाड़ी पकड़ी और हमने कहा चलते हैं। तो यहाँ पे बंदे होते हैं, रिकॉल हो कर कर आते हैं, पता नहीं रिकॉल कर कर आते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, बस बंदे होते हैं ठीक है। उनमें से एक बंदा तो मैं मार देती हूँ, क्योंकि बीच सकर असकर कह रही हूँ, बीच सड़क पे खड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ पे इसके और बंदे होते हैं, हमने कहा कि क्लोज रेंज थोड़ा जाते हैं, फिर उसके बाद यू नो थोड़ा रश करते हैं तो यू नो। हाँ, तो यहाँ पे एक सांप बना हुआ था, उसे मोली लग गई। तो मुझे जब नज़र आया कि उसे मोली लग गई, तो मैं क्या कहते हैं UMP से मारती हूँ। फिर इधर लोग कह रहे हैं यहाँ पे बंदे लैंड हो रहे, बंदे लैंड हो रहे, मेरे टीममेट्स कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है बंदे लैंड हो रहे हैं। मैं इसलिए गोल गोल घूम कर देख रही हूँ किधर बंदा लैंड हो रहा है, फिर बाद में पता चला कि वो उधर बंदा लैंड हुआ है। बाकी यहाँ पे दो और बंदे थे, तो उनमें से एक को तो मैंने डैमेज दिया, बाकी दो मतलब डैमेज ही मिला उन्हें, कोई नोक नहीं हुआ। तो मैंने डिसाइड करके मैं जाकर रश करती हूँ शरीफ बनकर। तो एज ऑलवेज मैं जाती हूँ रश करने और यहाँ पे मार देती हूँ उन्हें। तो इनका एक और बंदा ऊपर होता है ठीक है, वो अभी मैं नहीं देख रही थी, मुझे KD नज़र आ गई थी और ये KD दूसरी KD को मारी थी। और मैंने कहा कि यहाँ पे KD को इग्नोर नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं KD को इग्नोर करूँ। तो इसलिए मुझे KD को मजबूरन मारना पड़ा। तो यहाँ पे ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं मार्क कर रहे हैं कि यहाँ पे बंदे बंदे बंदे, और मैं फिर भी KD के पीछे पड़ी हूँ कि कहीं से मैं फुल फिनिश कोई ले ना ले मेरी KD। और बाद में पता चले कि मेरा एक टीममेट नॉक हो गया उस बंदे से। फिर मैं कहती हूँ वो अच्छा अच्छा इस बंदे यहाँ पे बंदा है ठीक है, इसे मारती हूँ मैं चाहे फिर बेचारे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पास आ जाते तो इन बंदों के पास, तो इनमें से एक बंदे को तो मैं नॉक कर देती हूँ, उसका दूसरा बंदा भी मैं नॉक कर देती हूँ, दोनों इनके बंदे नॉक कर देती हूँ। फिर इसका एक और बंदा होता है टर्नल के अंदर, उसकी फुटस्टेप्स वगैरह आ रही होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाकर उसके ऊपर रश करती हूँ बेचारे के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे पापा कवर दे रहे थे और पीछे से कहा कि अगर मैं नॉक होगी तो वो रिवाइव दे देंगे, बट ऐसे कैसे मैं मरूंगी। तो यहाँ पे इतना प्यारे तरीके से मैंने इसे मारा फ्री फायर देकर, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे मैं मोच मोड कर रही थी इसे चढ़ाने के लिए कि ये क्यों टनल के अंदर गया। इसके बाद हम लोग आगे गए, तो यहाँ पे 17 किल्स हो जाते हैं मेरे। तो यहाँ पे हम आगे गए तो इधर गाड़ी वगैरह आ जाती है, बंदे शंदे आ जाते हैं। तो इधर मैं तो एक बंदे को तो डैमेज देती हूँ ज़्यादा, बाकी फिर दूसरी भी गाड़ी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ आगे, तो एक बंदे को तो मैं नॉक कर देती हूँ, बाकी यहाँ पे दो बंदे और पता नहीं किसे नॉक किए होते हैं। एक बंदे को मैं नॉक करने जाती हूँ तो भाई वो पहले से उसका नेट इतना ख़राब था कि उसने मुझे इजीली मार दिया। यार मेरे साथ ही क्यों इस तरह होता है। फिर यहाँ पे खुले में एक बंदा था, इसे मैं इतना प्यारा स्प्रे दिया, ओ माय गॉड दिल खुश हो गया मेरा। अभी तो इतने प्यारे स्प्रे है इस गेम के अंदर, आप देख कर ना गार्डन गार्डन हो रही होगा आपका। तो यहाँ पे ड्रॉप के पास एक बंदा नंबर 3 को डैमेज दे रहा होता है, मतलब मार रहा होता है, तो मैं इसे मार देती हूँ ऑफकोर्स। तो और भी बंदे होते हैं आसपास, तो उन बंदों को यहाँ पे हम फुल फिनिश कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, कोई नॉक हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई फुल फिनिश हो रहा है, पता नहीं। हाँ बस यहाँ पे यही चल रहा था। बाकी यहाँ पे देखो खुले में दो बंदे थे ठीक है, एक DP चला रहा था बड़ा बुरा किस्म का, बाकी एक M4 से स्प्रे दे रहा था। तो जो DP वाला था हमें शक था कि उसने कुछ लगाया, बट सैडली नहीं उसने कुछ लगाया, वो बड़ा शरीफ इंसान था, बट हमें लगा क्योंकि जैसा कि वो मार रहा था। बाकी यहाँ पे हम यहाँ पे पीछे एक और बंदा आ जाता है, तो मैं आराम से छुप छुप करके इसे मार देती, क्योंकि ये बेचारा मेरे बाबा मतलब बाबा को नोक कर देता है, क्योंकि ये बिजी था उधर बाबा को देख रहा था, कह रहा था कैसे यार मैं पता है कह रहा था कैसे मैं कहीं से बस ये बाबा को नोक कर दूँ, कहीं से ये जो बंदा नजर आया खुले में इसे नोक कर दूँ। तो मैं पीछे से जाकर उसे हिडनली मार दिया। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, नहीं तो यहाँ पे गेम प्ले पूरी
फिनिश हो जाने क्योंकि मैं 22 किल्स किए। इतनी मुश्किल से गेम प्ले बनती है गाइस, यार वीडियो को लाइक किया करो। तो यहाँ पे मेरा स्प्रे जो है ना भाई, मुझे इतना मज़े का लगता है ना, इतना मज़े का लगता है। आप लोग कितना मज़े का स्प्रे दिया मैं, कसम से स्प्रे भी नहीं दिया, टैप टैप दिया है। ओ माय गॉड, तो गाइस कमेंट में बताना कैसा था टैप टैप, मज़े का था ना, है ना, है ना, मुझे पता है मज़े का है। बाकी यहाँ पे वही बंदे क्लोज रेंज में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग भी चले जाते हैं इनके पास। तो यहाँ पे एक बंदे को तो मैं नॉक कर देती हूँ, दूसरा बंदा एक और आ जाता है और इतना स्प्रे देता है कि भाई मुझे नॉक कर देता है। फिर यहाँ पे मेरे टीममेट्स, माय बेस्ट टीममेट्स मुझे कवर दे देते हैं, तो मैक्सडॉन भाई ने मुझे कवर दिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आके शाका भाई ने अपनी कुर्बानी दे दी। तो हम लोग बंदों के पास जाते हैं, अब इधर ही बंदे थे दोनों के दोनों। तो इधर एक को तो मैंने फुल फिनिश किया, बाकी एक चुप कर बाहर निकला, पता भी नहीं चला कहाँ से निकला और बस ऐसे चुप करके बाहर निकला ना, कि भाई मतलब ये सांप, इन सांपों को भी ना कुछ भी नहीं कह सकते हम, ये एक्चुअली कैंपर सॉरी, इनको कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत मासूम होते हैं, है बिल्कुल भी मासूम नहीं होते। अच्छा तो यहाँ पे मेरे 24 किल्स हो जाते हैं गाइस, एंड यहाँ पे थोड़ा इमोट मोट कर देते हैं क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों खुशी होती है, बट हाँ बस खुशी हो रही है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ, सो बाय बाय। बाकी इग्नोर मेरी थोड़ी, मेरी पता नहीं जुबान बहुत फिसल रही है।